मुझे तो बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, लोग मैसेज कर रहे हैं, मैं पागल हो गया हूँ इंस्टाग्राम में, इतने सारे मैसेजेस आते हैं उसका जवाब दे दे के पागल हो रहा हूँ मैं अभी। हाँ, ये साल के पहले में मेरी एक और फिल्म आई थी मर्द को दर्द नहीं होता, उसके लिए भी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला था, अब कमांडो के लिए भी बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, मैं तो बहुत खुश हूँ। ओके, फॉर्चुनेटली से किस तरीके का कमेंट मिला है एंड सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट कौन सा मिला? ऐसा कुछ बेस्ट कॉम्प्लीमेंट मैं याद नहीं है, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स है, सारे ही बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, जब लोगों को आपका काम पसंद आता है और वो अपने दिल से प्यार देते हैं तो सारे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स ही है, ऐसा कुछ मैं पिकआउट नहीं कर सकता कि ये बेस्ट है, ये है कुछ भी ग्रेट है, अगर थम्स अप भी आया ना मेरे लिए वो भी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो इसी के साथ में बात करिए तो ओके, इसी के साथ में बात करिए तो जिस तरीके से आप नेगेटिव रोल इस बार प्ले कर रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव में है, इस बार बताइए कितना चैलेंजिंग था नेगेटिव प्ले करना? एक बार फिगर आउट हो गया तो कोई चैलेंज नहीं है, सोचने का बहुत वक्त था मेरे पास तकरीबन 2 महीने, तो डायरेक्टर के साथ कुछ मीटिंग्स की, स्क्रिप्ट पढ़ी हमने, तो मेरे पास कुछ आइडियाज़ थे तो मैंने डिस्कस किए, तो सेट पे कुछ मैंने ट्राई किया, सोचा मैंने बहुत, लेकिन एक बार आप एक नींव लगा लेते हैं ना कि कैरेक्टर ऐसा है, ये करना है आपके साथ, इसके चाल चलन ऐसी होगी, तो ये ऐसे कपड़े पहनेगा, ऐसे बोलेगा, ऐसे बात करेगा, इसकी आवाज़ ऐसी होगी, तो एक बार फिगर आउट कर लेते हैं तो फिर वो बहुत आसान हो जाता है, तो फिर आप ट्राई करते हो सेट पे जाके, आप दूसरे अपने को एक्टर्स के साथ कुछ ट्राई करते हैं तो कुछ कुछ वर्क होता है, कुछ कुछ नहीं वर्क होता है, जो नहीं वर्क होता है उसको सब बाजू में लगा के हम लोग जो वर्क हो रहा है उसी पे और ज़्यादा काम करते हैं। तो इनिशियली थोड़ी बहुत मुश्किल हुई, बट आई थिंक डायरेक्टर ने मुझे संभाला थोड़ा बहुत, उन्होंने हेल्प की, तो फिर उसके बाद तो मस्ती ही किया हमने। ओके, इसी के साथ में आपने डिसाइड किया था कि विलन वाले कैरेक्टर्स अब नहीं निकाला है, लेकिन क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया है इस कैरेक्टर को, तो माइंड कहीं चेंज हुआ है अब? नहीं, कुछ हद तक के लिए मैंने संन्यास ले लिया है खलनायकों से, तो मैं कुछ अभी नया ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है, पहले भी मैंने नया किया है ऐसे हंटर वगैरह फिल्मों में मैंने कुछ अलग किया है, तो लोगों को वो भी पसंद आई है, तो मैं कुछ एक नई दिशा में जा रहा हूँ, सो लेट्स सी। ओके, ऑल्दो वी आर सेलिब्रेटिंग सक्सेस, लेकिन यू नो एक चीज़ और जानना चाहूँगी, वो है प्रियंका रेड्डी जो रेपकांड हुआ है उसके बारे में, यू नो जानना चाहूँगी कि लॉ कितना मजबूत होना चाहिए एंड क्या कहना चाहते हैं इस गर्ल्स? लॉ मजबूत है, लॉ तो पहले से ही है, एवरी क्रिमिनल हैज़ टू बी पनिश्ड, तो ये जो घिनौनी हरकत जिन्होंने भी किया है, उम्मीद करता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिले उन्हें, और मर्दों का भी औरतों की तरफ देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। तो हाल ही में मैं मोहन भागवत जी का एक क्लिप देख रहा था, जो कहीं पे बता रहे थे यही चीज़ को बता रहे थे, जो RSS के चीफ हैं, तो यही चीज़ बता रहे थे कि हमारा नज़रिया जो है वो सही होना चाहिए। तो आई थिंक ये छोटी उम्र से ही ये घर पे ही आपको सिखाना चाहिए कि किस तरह से इज्जत से पेश आते हैं औरतों के साथ में, औरतों के साथ नहीं किसी के साथ भी, मतलब प्यार मोहब्बत से रहो और इज्जत की नज़रों से देखो सबको। रियली हैप्पी एंड आई थिंक आजकल सोशल मीडिया टाइम पे वी कैन गेट लाइक इमीडिएट रिस्पॉन्स, तो आई वॉज ट्राइंग टू रीपोस्ट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरीज ऑल्सो, लोग थिएटर में हैं अपने टिकट्स मुझे भेज रहे हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं लाइक माई इंट्रोडक्शन एंड ऑल द रिकॉर्डिंग एंड सेंडिंग, सीटियाँ पड़ रही है, वेरी एक्साइटिंग फॉर एन एक्टर आई थिंक टू वॉच स्टफ लाइक दैट, इट फील्स रियली नाइस। कल रात मैं सोई ही नहीं, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू दोज इंस्टाग्राम स्टोरीज, नेक्स्ट 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 एंड सीन एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी, लोगों को मेरा ह्यूमर पसंद आ रहा है फिल्म में, एक्शन पसंद आ रहा है, सो या ओवरवेल्ड या ओके। इसी के साथ में अगर बात करिए तो फिल्म में आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मतलब एक एक्शन करती हुई नजर आ रही है, तो कितना चैलेंजिंग था वो आपके लिए? एक्चुअली चैलेंज वो नहीं है, वो खुशी की बात है कि मुझे मौका मिला, चैलेंज वो है मिलना चाहिए मौका, तो आई थिंक इसमें मुझे मौका मिला, तो आई थिंक दैट्स सॉरी आई डोंट सी, so yeah I think the best thing is to get the chance, the challenge is to get the chance, once you get the chance then so my stylist is here Juhi, she was right here, she's not here anymore, so we decided to the designer's Pinky, so we decided to do commando one side because Bhavna Reddy's badass, and then we decided to go really soft and pretty the other side, which was a nice ruffled gown, so ओके, सो यू नो जो ये आपका फुल ड्रेसिंग का आइडिया था वो डिज़ाइनर को आपने दिया था या वाज इट फ्रॉम हर साइड? आई थिंक इट्स बोथ वेज, बट आई लाइक दैट नाउ द मीडिया एंड द ऑडियंस रियली अप्रिशिएट व्हेन आई डू समथिंग डिफरेंट, व्हेन आई कम इन विद समथिंग डिफरेंट योर आईज ऑल लाइट अप, सो आई थिंक दैट फील्स वेरी नाइस फॉर एन एक्टर, सो आई फील आई कैन डू मोर क्रेजी स्टफ, आई थिंक आफ्टर दैट न्यूज़पेपर गाउन दैट वी डिड आई फील वी शुड गो क्रेजियर ईच टाइम। ओके, एनी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट व्हिच यू गॉट फ्रॉम द कॉम्युनिटी about commando? A lot of people are calling me like I said the humor, and I think for a girl to be funny in a movie is really nice, because usually jab funny movie hai to the guys are making fun of the girl or they're making fun and you know the girl is
but this the girl is like doing the jokes and she's doing the humor. So I think it's very cool. Like Bhavna Reddy is a hero herself. I think that came across really nice. And also action karti nazar aayi hai, that is something new. And how much difficult it was for you to? Like I'm saying, the doing action is not the tough part. To get a movie where I can do stuff, that is the tough part. So with Commando, I got that chance and. Doing it, I really had fun. Yeah, I enjoyed. I've been training for this all my life. मौके के लिए हम लोग बस रुके हैं, जब मौका मिलता है तो. Hello. हमारे ज़हन में बिट्टू आ गए. हाँ. जो है. हाँ. तो बिट्टू के साथ हमारे ज़हन में आप भी आती हैं. Good ना. किस तरीके से देखी हैं आप? Good. I think Commando के साथ एक लड़की भी होनी चाहिए. Always, it's always nice. And बिट्टू तो है ही, वो one man army तो है. But yeah, it's always nice to have a girl who's doing stuff also. Why not? Okay, so guys, इसके बाद किस चीज़ की तैयारी होने वाली है? तैयारी I can't share with you yet, but my next release will be Man to Man, जो I think I told you before. It's a film which is a love story. एक लड़का एक लड़की से प्यार करता है और उसके बाद शादी कर लेता है और शादी के बाद उसको पता चलता है कि वो लड़की लड़की नहीं है, वो एक लड़का है. So I'm the man. In that film. So that'll be short. There's lots more stuff coming up. There's Holiday 2 also, season 2, which we'll be shooting, and there's two more exciting things which I will share with you. Okay, Sada, although we are celebrating success today, but still, you know, one thing which is... Sorry, one second, I'm just asking someone for a tissue. Sneha, give me tissue now, please. Tissue, please. Sorry guys, it's very hot. I know. So I just came from Hyderabad and I was, the day I landed, I was there for a day for something and there was this rally that was going on the road and there were these girls who were in the hot sun and they were like standing, walking in the hot sun, shouting. So I think the girls of Hyderabad are very strong. I said I hope that the justice system, because we wait for like a thing like this to happen, like a death or like a murder or like a rape to happen and then we all react and hum log sab baat karte rehte for the next 1 month about it. And then we forget about it and then something else comes up and then we start talking about that. So I hope the justice system does something that is like immediate action and something that is so severe that the men are terrified to even think about doing anything like this, because they should be really scared. They should be like, if we do this then, you know, they should be really scared to. I guess that's the only thing, because like when this happened, her parents called, went to the police, and the police, instead of like saying where is she and running to her, they were they asked the parents who was she talking to on the phone before. So so yeah, I just wish immediate action was probably taken and maybe she'd still be alive. But for the next, I hope there's no next time ever, but I just hope that they take like immediate action where people are really scared. Thank you. Thank you so much. Thank you. Congratulations for the success of Commando 3. People are really appreciating it. People are loving it. Thank you so much. What kind of response are you getting? Very good, overwhelming response. I mean, like getting messages from lots of them, a lot of unknown people also sending love and thing. I guess people have really loved the journey of Commando 3 this time. Karan Singh Dogriya ki jo journey thi, which was my attempt this time from 1 and 2. I always wanted to show an emotional side of Karan Singh Dogra, and that it's just not a mission and just not another mission, but he had something personal to go for this time. And that is for the people of the country and for the unity of the country, and that's exactly what worked, I think. Okay, when we talk about Commando, you know, Commando 1, Commando 2, Commando 3, it's a franchise in itself, correct, right? So was there any pressure, kind of pressure from your side, because you know it's 1 and 2 has been huge. Yeah. So was there any pressure that 3 should also be? Means there was a lot of excitement than pressure, and it also gave me the opportunity, because I knew how 1 and 2 were treated or how they were shot and how they looked. So I was very clear that when I make 3, it has to stand out. It has to be 360 degree different in terms of action, look, appearance. If you look at it, the way it's been shot, the camera language, the way the action is taking place and the stunts that we've choreographed is drastically different. So, ek repeat, aisa nahi hai ki hum log ne jo pehle 1 or 2 mein
you know, the other two directors had done with their vision, we've just gone ahead and I've tried on every step to better and make it bigger, larger, something new in terms of the approach towards Commando 3. What's so, next? Okay, if you talk about reviews, how do you feel about reviews? I'm pretty satisfied. Matlab, my point was, my biggest reaction was the audience and the way they were reacting. Matlab, for me, the way jo matlab jo theater mein jaake jo CT padti hai jo dialogues pe jo socha tha jab likhenge karenge ki yahan pe reaction milega, people will like this moment, I guess for me more overwhelming was the way the audience has reacted. And coming back to the reviews, I guess we were at a level, I was very confident when jab ek edit level pe we were very satisfied. If you'll see that we stand by the film and we always stood by it, and that's the reason we opened the film about 4 to 5 days before the release to the media and for the critics, because somewhere in our heart we were very happy about the product, and I'm very happy and satisfied with what we've made, what you know, as a team, what we've delivered. What's next from your side? Honestly speaking, right now though, I'm completely enjoying the moment and still trying to figure out what next. I usually jump. They told me that I've been jumping genres from Aashiq Bana Apne to Table Number 21, and then in the middle I did a biopic on Sunny Leon, and then now an action film. So I genuinely don't know what next is going to excite me or draw me towards that I'll go and do. Thank you so much. नहीं, आज हमारी सक्सेस पार्टी है. सो सक्सेस कि हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं. रिस्पांस बहुत अच्छा है. दर्शक अभी भी थिएटर्स में हैं. मैं अभी फिल्म देख के आ रहा हूं और इतना उत्साह है, जिस तरह से हर डायलॉग पे, हर पंच पे सीटियां तालियां बढ़ रही हैं, तो रिस्पांस तो अच्छा ही है. कॉम्प्लीमेंट की बात करिए, किस किस तरीके के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? कोई एक ऐसा कॉम्प्लीमेंट जो हमसे शेयर करना चाहिए? ये काफ़ी सारे हैं, डिफरेंट. जैसे मैंने बताया कि हर डायलॉग पर ताली है, वो एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है यार. एक्शन पर तो कमांडो 3 से एक्सपेक्टेड होता ही है, फिर भी इस बार भी वो लोग दबा दबा के ताली मार रहे हैं. सो इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट. सर, आप क्या करना चाहिए? मैं फन रिपब्लिक में सैटरडे शाम को गया था और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. चार बार भारत माता की जय के नारे लगे. व्हेन द फिल्म जब बात करती है हिंदू मुस्लिम यूनिटी, इंडिया की यूनिटी की, तो चार बार भारत माता की जय के नारे लगे. मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए मेरे. सो और ये हमें हमारे डिस्ट्रीब्यूशन और एग्जीबिशन जितना भी है उसमें से हमें न्यूज़ आ रही है कि देश में बहुत सारे थिएटरों में इस तरीके का एक चीयरिंग हो रही है. बहुत ज़बरदस्त एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत प्यार मिल रहा है. सो आई एम ओवरवेल्म्ड विद द रिएक्शन एंड वेरी हैप्पी, वेरी वेरी सैटिस्फाइड कि बहुत मेहनत से ये फिल्म बनी है एंड इस तरीके की रिस्पांस का आना इज़ वेरी वेरी चिल, एंजॉइंग, बहुत मज़ा आ रहा है. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट कमांडर, यू नो इट हैज बीन सक्सेसफुल फ्रेंचाइज ओवरऑल नाउ, यू नो सिंस इट्स कमांडो 3, डज दैट लोअर्स योर प्रेशर और डज इट हायर्स योर प्रेशर? इट वर्क्स बोथ वेज. देयर आर एलिमेंट्स अबाउट द फिल्म के आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस हर फ्रेंचाइज की फिल्म के साथ बढ़ती हैं. यू हैव टू ऑल द टाइम ट्राई एंड मैच अप टू इट. तो वो एक चैलेंज बहुत बड़ा रहता है. That you don't want to disappoint the people who are loving the film franchise and coming. अभी हम बात कर रहे थे कि तीन में हमने जो एक्शन किया, आप चार में क्या. सो दैट इज़ ऑलरेडी अ प्रेशर. बट अच्छी बात ये होती है कि लोगों को आपकी फिल्म के बारे में पता है, वो विद्युत को एक्शन करते हुए देखना चाहते हैं. देर इज़ अ कमिटमेंट टू द फिल्म एंड द फ्रेंचाइज, देर इज़ लव अटैच टू इट. तो वो हमारे एडवांटेजेस भी होते हैं. तो इट वर्क्स बोथ वेज. सी, जब मैं क्लास 8th में था तो लगता था 9वीं में जाऊंगा तो क्या होगा. देन आई वेंट फॉर द बोर्ड्स, देन 12th. सो आई थिंक वी आर यूज्ड टू दिस स्टाइल ऑफ लाइफ. प्रेशर हर बार आता है बट मज़ा उतना ही आता है. सो वी एक्साइटेड अबाउट इट. नाउ वी बीन डिस्कसिंग अबाउट हाउ ही वांट्स टू डू कमांडो 4. ओके, सो कमांडो 4 की बात हुई तो कब से तैयारी चालू होने वाली है इसकी? नहीं नहीं, ये तो अभी हमने सिर्फ बात शुरू की. अब कब आएगी, कब रेडी होगी, बहुत लंबा प्रोसेस होता है. हम बैठ के बहुत डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इस फिल्म में क्या अच्छा था और क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या लोगों को बहुत अच्छा लगा और क्या करना चाहिए.
तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इट्स नॉट ईजी जस्ट टू से. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें एक बहुत ही अच्छी नई कहानी ढूंढनी पड़ेगी, उतने ही शानदार एक्शन सीक्वेंसेस बनाने पड़ेंगे. सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स नॉट ईजी. So I've got Khuda Hafiz that I'm shooting for. Then I've got another film called Power with Mahesh Manjrekar. So अभी ये है, अभी और आगे देखते हैं. Okay, so besides that, you know, lastly, although we are celebrating success today, but एक चीज़ और जानना चाहूँगी, you know, the Priyanka Reddy case which happened 2 days back. What do you want to say on that? And do you think the women are safe here? Because this all things are happening. It's not the first time, it had already happened so many times. हमारी सोच ये है कि जस्टिस हैज़ टू बी डन इन द क्विकेस्ट पॉसिबल वे. एक महीने के अंदर उनका केस कंप्लीट हो जाना चाहिए और उन्हें फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए फॉर डूइंग व्हाट दे हैव डन. आई कांट एक्सप्रेस हाउ एंग्री एंड पेन्ड वी ऑल फील, एंड वी फील हेल्पलेस बिकॉज हम अगर आज हमारे सामने आ भी जाए तो हम उसका गला नहीं घोंट सकते, कानून हमें उसकी इजाज़त नहीं देता. पर अंदर से फीलिंग यही होती है कि अगर सामने आ जाए तो गला घोंट के यहीं जान ले लेनी चाहिए. इट इज़ दैट काइंड ऑफ थिंग. एंड आई बिलीव के हमें एक सिस्टमेटिक चेंज की बहुत ज़रूरत है. बचपन से हमारे सिलेबस में हमारी माओं को अपने बाप हर पिता को अपने बच्चों को सिखाना पड़ेगा औरत की इज्जत करना. हमारे एजुकेशन सिस्टम में इसको एक कंपल्सरी टॉपिक बनाना पड़ेगा कि हर लड़का लड़कियों की इज्जत करना सीखे और इस तरीके की हरकत करने का ख्याल भी उसके दिमाग में ना आए. सो आई थिंक इट्स टाइम. हर बार हम कैंडल मार्चेस करते हैं, आक्रोश दिखाते हैं और फिर जब तक अगला ऐसा कोई अपराध नहीं होता हम भूल जाते हैं. अगर हम ना भूलें और इसको इस पूरे मोमेंटम को यूज़ करें तो मुझे लगता है कि वो उस जो लड़की जिसके साथ इतना बुरा हुआ उसकी आत्मा के लिए कुछ हमारी ओर से कंट्रीब्यूशन होगा. जैसे आपने कहा कि डू यू थिंक इट्स सेफ, अभी तक लगता था, जब भी थोड़ा यकीन होने लग जाता है तो इस तरह का कुछ हादसा हो जाता है. सो द आंसर इज ऑफ कोर्स नॉट, सर्टेनली नॉट सेफ. लाइक पीपल सर सेड, देयर इज सो मच एंगर, एवरीबॉडी आई मीट, दिस कॉन्वर्सेशन जस्ट एज एन इंटरव्यू इज ऑल्सो नॉट अ वेरी ग्रेट कॉन्वर्सेशन, मेक्स यू एंग्री. दैट्स द ओनली इमोशन आई फील. एंड यस, आई बिलीव द फैक्ट दैट देयर वाज सेफ्टी, बट आई डू नॉट एग्री विद इट एनीमोर. Thank you. कहूँगी कि राइट नाउ ऑल ऑफ अस आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ओवर द मून अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. एंड समवेयर इन माई हार्ट आई काइंड ऑफ आई न्यू दैट दिस वुड हैपन, बट आई वाज जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस, बट नाउ दिस इज इट्स कम ट्रू. सो आई एम वेरी हैप्पी. मुझे ये कहा जा रहा है कि हमने एक्शन, मैंने एक्शन बहुत अच्छा किया है और अब एक्टिंग की भी तारीफ हो रही है, तो फिर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि लोग ऐसा मान रहे हैं और इट्स इससे एक प्रोत्साहन मिलता है एक्टर्स को भी, तो बस बहुत खुश हूँ इस बारे में. जी उसका नाम है जी, जी चैलेंजिंग था. चैलेंजिंग तो नहीं था, मैं खुशी थी कि मुझे कमांडो 3 करने को मिल रहा है और द फैक्ट दैट आई एम डूइंग इट विद विद्युत, इट वॉज नॉट स्कैरी, इट वॉज मोर लाइक अ चैलेंज दैट आई टुक अप कि यू नो आई एम गेटिंग टू यू नो फाइट विद्युत के साथ इन द फिल्म, तो मुझे उतनी मेहनत करनी है और मैं बहुत खुश थी कि मुझे आई हैव टू डू दैट. सो थैंक यू सो मच.